अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज टीवी। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस के खास खबरों पर। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने गिफ्ट स्मार्ट प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के जल विहार में हैंडीकैप्ड अफराद में 200 खसूसी गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों से मजूरे अफराद की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। बता दें कि केटीआर ने टीआरएस लीडर से ख्वाहिश की थी कि उनकी सालगिरह पर मुबारकबादी के बैनर्स और फ्लैक्स बोर्ड्स पर खर्च किए जाने वाली रकम को गिफ्ट स्मार्ट प्रोग्राम कर खर्च किया जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने मेनहोल की सफाई के दौरान हालात होने वाले सफाई कर्मचारियों के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस की जानिब से 1-1 लाख रुपए की इमदाद दी। रेवंत रेड्डी ने मुतासरीन को 1 करोड़ एक्स ग्रेटिया देने का हुकूमत से मुतालिबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब के मुतासरीन को 10,000 देने का वादा करते हुए 600 करोड़ जारी किए गए, जिसमें से 300 करोड़ टीआरएस के लीडर्स हजम कर चुके हैं। वनसलीपुरम के साहिब नगर में मेनहोल की सफाई के दौरान हालात होने वाले सफाई कर्मचारियों के अफराद खानदान से जीएचएमसी में गजबे लक्ष्मी और डिप्टी मेयर ने मुलाकात की और 15 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पब्लिक सिटी कमेटी चेयरमैन मधु यशी गौ ने कहा है कि सीएम केसीआर के हाथों तेलंगाना आवाम नजरबंदी की जिंदगी गुजार रही है। जल्द ही केसीआर की हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। हुजूराबाद बाय इलेक्शन के पेश नज़र सीएम दलित बंधु स्कीम के ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि केसीआर की आवाम मुखालिफ हो, हुक्मरानी को ख़त्म किया जाए। आरटीआई कानून के तहत एक आम शहरी के लिए किसी भी सरकारी इदारे से मुतालिक मालूमात हासिल करना आसान हो गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये शिकायत आम है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड आरटीआई कानून के तहत तलब की जाने वाली मालूमात फराहम करने से बच रही है। हालांकि आरटीआई के तहत ही नहीं बल्कि कानून वक्फ 1995 के दफा 3 रू से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड तलब करने के हक हर इंडियन सिटीजन को हासिल है। वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधलियों के पर्दाफाश होने के डर से वक्फ बोर्ड के अहदेदारों दोनों कानूनी के तहत मालूमात देने से साफ इनकार कर रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सेक्रेटरिएट दौरे के मौके पर उस वक्त हलचल मच गई जब नामालूम बाइक सवार सीएम केसीआर काफिले में घुस गए। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ताहम नौजवान तेजी से काफिले में घुस गए। इन बाइक सवार नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इम्कान है। चंदनगुट्टा पुलिस लिमिट में एक मंदिर की हंडी से रकम चोरी करने की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक बालापुर रोड पर मंदिर में नामालूम चोर दाखिल हुआ और लॉक तोड़कर हंडी से 20,000 रुपए की चोरी कर ली। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। 31 जुलाई के दिन बंजर हाइल्स के एक घर में खुद को पुजारी बताकर पूजे के बहाने तवज्जो हटाकर सोने की जेवरात की चोरी की वारदात अंजाम देने वाला नारायण खेड़ का रहने वाला नागया स्वामी नागराजू उर्फ नरेश को बंजर हाइल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 6 तोले सोना और 7 तोले चांदी के जेवरात को जब्त कर लिया। मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। साइबर क्राइम पुलिस मरकाजगिरी ने केसरा पुलिस की 7 घरों में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद 27 साल पेंटर योगेंद्र, 21 साल पेंटर जी नगेंद्र और चोरी का माल खरीदने वाला 30 साल रघु को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से तकरीबन 9 लाख रुपए के सोना और चांदी के जेवरात जब्त किया। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से 3रा शॉर्ट फिल्म का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके लिए रोड सेफ्टी और हम टॉपिक दिया गया है। पहले इनाम 50,000 रुपया, दूसरा रनर अप को 30,000 रुपया और तीसरे रनर अप को 20,000 रुपये के दिए जाएंगे।
तेलंगाना के मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ और सबिता अनिल रेड्डी ने विकाराबाद के अहम टूरिस्ट प्लेस आनंदगिरी हिल्स में एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट की तरक्की और शोहरत के सिलसिले में आला होदेदारों के साथ बात की। आनंदगिरी हिल्स के इस अहम टूरिज्म प्रोजेक्ट के कायम के लिए 150 करोड़ का खर्च होगा, जिसके इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स आगे आए हैं। रियासत में खाली नौकरियों को भरना और बेरोजगार नौजवानों को अलावंस फराहम करने के मुतालिबा करते हुए तेलंगाना के मंचिरियाल में BJYM के कारकुनों ने बाइक रैली निकाली। जिले के IB चौराहा तक ये रैली निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में BJYM के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर BJYM के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जो है खाली नौकरियों को भरपाई करने के लिए पीछे हट रही है और बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। तेलंगाना के निर्मल जिले में फिल्मी अंदाज में रियल एस्टेट बिजनेसमैन के किडनैप के मामले को पुलिस ने हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के दिव्या नगरी तानवी अपार्टमेंट में रहने वाले रियल एस्टेट बिजनेसमैन विजय देशपांडे को बास नामालूम अफराद ने इतवार की सुबह किडनैप कर लिया था। वहाँ मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के रजना श्रीकला जिले में बिजली के झटका लगने से एक किसान की मौत हो गई। जिले के कोना राव पेट में ये वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 45 साल का किसान, जिसकी शिनाख्त सतिया के तौर पर की गई है, आज सुबह अपने खेत के करीब बिजली की सप्लाई के लिए गया था, ताहम बिजली का झटका लगने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। 9 वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।